इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। माँ मैना आरती करने आई दूल्हा महाराज की, बाबा का स्वरूप मैना जी ने पहली बार देखा। एक बार दूल्हे को ध्यान में लेती हैं, एक बार बिटिया का स्मरण करती हैं। मैया मैना सोचने लगी कि इस बावले के साथ मेरी बिटिया रहेगी कैसे। डाक्टर बोला गीत बजाइए। नर नार गर्जा भार बहुत सुंदर है जी। मैना मैया सोचती है, से गौरा ना किया बोमा ना किया भले गौरा रही हन मुवार हो ये संभवरा हो पर से गौरा ना किया बोमा ना किया बोरा भाव है स्थिति एक है। देखिए मेरा एक सूत्र है, स्मरण रखिएगा। परिस्थिति एक ही होती है, जिसकी जैसी मनस्थिति होती है वैसा उसका अर्थ और परिभाषा बना लेता है। परिस्थिति एक रहती है, हम अपनी मनस्थिति के अनुसार अर्थ निकाल लेते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं, डिफिनेशन बना लेते हैं। परिस्थिति एक है, जिसकी जैसी मनस्थिति होती है वैसी परिस्थिति से वो अपनी रचना बना लेता है। दोष किसी का नहीं है, हमारी मनस्थिति का दोष है। हम क्या अर्थ निकाले,
हम क्या सोचे, सोचते हम क्या हैं, जो हमारे में चलता है, जो हमारे में चलता है हम वही सोच लेते हैं और दूसरों को न बताते हुए उन पर आरोप भी मढ़ देते हैं। स्थिति नहीं देखते, अपनी मनस्थिति के अनुसार हम परिभाषित कर लेते हैं ऐसा ही होगा, बिल्कुल होगा हम कह रहे हैं तो लो। मां भगवती ने जब तप किया था तो आकाशवाणी ने क्या कहा था, आस तप काहू नकीन भवानी भय अनेक धीरमुनिया, भय अनेक धीरमुनिया। हे भवानी जी, आपने जो तप किया ऐसा किसी ने आज तक नहीं किया। अनेक धैर्यवान मुनि मनस्वी तपस्वी लोग भय, तो वो मां की मनस्थिति थी। अब यहां मेना मां की क्या मनस्थिति है, बेटी जिस भगवान ब्रह्मा ने तुझे इतना सुंदर स्वरूप दिया, ये बावला बर कहां से रच दिया, मैं आपको लेकर पर्वत से छलांग लगा जाऊंगी, समुद्र में डुबकी लगा लूंगी, आग में जल जाऊंगी, जीते जी इस बावले से आपका विवाह कदापि नहीं करूंगी। परिस्थिति एक, मां भगवती पार्वती जी गदगद हैं, आ गए ब्याहन बैला की सवारी, भोले बाबा आ गए, मां गदगद हैं कि बाबा आ ही गए। अरे बाबा भी बड़े विचित्र हैं, एक सिद्धांत सूत्र है बाबा के बारे में, छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े, अव्यवस्थित चित्ता नाम प्रसादोपि भयंकर। प्रसन्न हो तो खजाना दे दे, तो रुष्ट हो जाए तो हरिहर। एक बार भगवान शिव रावण पर रुष्ट हो गए, विधायक जी रावण तो उत्पाती था ही, बोले बाबा का भगत भी था और चेला भी था बड़ा उत्पाती, तो सोचा कि अब गुरु जी के यहां आ ही गए हैं तो गुरु जी को भी थोड़ा बल दिखा दे, बस कैलाश पर्वत को उठा लिया। कार्तिक स्वामी इधर भगे, गणपति बाबा इधर भगे, गण लोग इधर उधर भगने लगे और मेरी माता जी घबरा गई। देखो आप, चाहे भगवान श्री हरि हो, माफ करना प्रभु, चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, आ चाहे शिव जी हो, आ चाहे विधायक जी हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, घर में यदि पत्नी घबराई तो आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, कोई हो। भाई देखिए, हम लोगों के घर का साजो समाज तो बहुएं देखती हैं, हम लोग तो ठन ठन पाल हैं, दौड़ते रहते हैं इधर से उधर उधर से इधर, घर में तो कुछ करते वरते है नहीं, इसलिए डर के मारे सपा के रहना पड़ता है, चुप चुप शांत रहना पड़ता है। शिव बाबा ने जब मां को घबराए देखा तो बाबा ने पांव नीचे किया, जब बाबा ने पांव नीचे किया तो कैलाश के नीचे रावण का हाथ दबा, रावण इतना तेज रोया, इतना अब तक उसका नाम दशानंद था, इतना तेज रोया, इतना तेज रोया कि पूरी सृष्टि दलक गई। बाबा को आवेश आया, बाबा छोड़े नहीं, छोड़े नहीं, पितामह ब्रह्मा आए, रावण के पिताजी भी आए, स्तुति हुई और स्तुति रावण से ही करवाई, उसका नाम है
रावण कृत शिव तांडव स्तोत्रम जटाटवी कलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलम विदा भुजंग तुंग मालिकाम। ये रावण ने तब स्तुति की जब वो दबाया गया। महामृत्युंजय पर्व पर जब आचार्य लोग इस स्तुति का पाठ करते हैं तो कहते हैं कि तब वो पूजा पुष्ट होती है। तब से रावण का नाम पड़ा रावण, क्यों कितना तेज रोया उसको अलंकरण प्राप्त हो गया। तो कहने का अर्थ यहां क्या है कि यदि बाहर उत्पात हो तो टेंशन नहीं होता, लेकिन घर में उत्पात हो तो बड़ा उलझन होती है साहब। आपे को नहीं होती है, बाबा को भी होती है। हाँ, सबको होती है। घर के उत्पात को संभाल के रहना चाहिए। बाबा ने दबाया, रावण शांत हो गया, हाथ जोड़कर क्षमा याचना करके रावण यहां से विदा लिया। कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसे दिव्य देव को प्राप्त करके माता जी गदगद हैं, मनस्थिति मेरी मैया की बिगड़ गई है। और मैया को याद आया नारद जी ने बताया था, नारद न बताते तो हमारी बिटिया इस बावले के लिए तप कदा दूर। यही सबको भ्रम रहता है। दो भ्रम को निकालने का प्रयास करिए। कोई किसी का विवाह न करवाता है और न कोई बताता है। जिसका जिससे होना होता है उसी से होता है, और जिससे हो गया उसी से होना होता था और हो गया। तो जो हो गया उसमें रोने का कोई प्रोग्राम नहीं बनाना चाहिए, वहां तो मौज में रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। आप आनंद में रहेंगे तो दुख कलेश डर के मारे भागे रहेंगे, और 24 घंटे रुदन करते रहेंगे तो कलेश दुख बढ़ते चले जाएंगे। मेरी मैना मैया नारद जी को कोसने लगी, नारद कर मैं का पिता Oh,
परिस्थिति में माँ ने दुख खरीद लिया, मान लिया, सोच लिया, ले लिया, लपेट लिया, एकत्र कर लिया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।